नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। निर्वाचन आयोग धनुषा के जनकपुर धाम में नमूना मतदान कार्यक्रम कलक बैसाख 30 गते होब लागल। स्थानीय तह के चुनाव के लिए मतदाता शिक्षा अंतर्गत नमूना मतदान कार्यक्रम कल गए। जनकपुर धाम के वड़ा नंबर 12 में कल गए नमूना मतदान में स्थानीय वासी कर्मचारी सब सहभागी। नमूना मतदान में मतदाता शिक्षा में सहयोग पहुँचवाक आ बैसाख 30 गते हो वाला निर्वाचन में मतदान कर सहज हेबाक प्रदेश निर्वाचन अधिकारी श्रीधर पंथी जानकारी दिलन। संचारकर्मी साथीहरुलाई धन्यवाद। र आज हाम्रो यो धनुषा जिल्लाको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले नमूना मतदान कार्यक्रम यहाँ सुरु गरिराखेका छौं। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 12 को यो स्थानीय मतदाताहरुलाई यिनहरुको मतदाता शिक्षाको रूपमा पनि यो मतदान नमूना मतदान केन्द्र मतदानलाई लिइएको छ। र यो नमूना मतदानबाट अब स्थानीय मतदाताहरुलाई केही कुरा अलिकति सहज हुने र उहाँहरूले जान्ने अभ्यास गर्न सक्ने देखिन्छ र यसबाट चाहिँ मतदाता शिक्षाको लागि केही सहज पनि हुन्छ र बाहिरबाट कसैले देख्दा पनि यो चाहिँ अब हाम्रो चुनावको माहौल सुरु भइसकेको छ, चुनाव आइसकेको छ भन्ने पनि देखिन्छ। यसले गर्दा सबैलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ र निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यो एकतिर यो मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृतहरूको तालिम पनि सञ्चालन गरिराखेको छ र बाहिर चाहिँ हामीले फेरि नमूना मतदानसँग मतदाता सबमै सकारात्मक प्रभाव पड़त सेहो ओ बतौलन। अहिबीच धनुषामे मतदान अधिकृत आ सहायक मतदान अधिकृत सबक तालिम रवि दिन सम्पन्न भेल छै। 5 दिन से जारी तालिम सम्पन्न भेल निर्वाचन अधिकारी पंथी जानकारी देलनि अछि। धनुषामे कुल 1225 गोटे तालिम लेने छथि। धनुषामे कुल मतदान स्थल 323 आ कुल मतदान केन्द्र 596 रहल छै। सरकार स्थानीय तहक निर्वाचन के लेल सुरक्षा में खटल सुरक्षाकर्मी के मृत्यु भेला पर निज के आश्रित परिवार के 20 लाख रुपया आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय कलक। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ के प्रस्ताव में रवि दिन भिन्सर बैसल मंत्री परिषद के बैसार से निर्वाचन अवधि भर सुरक्षा में खटा वाला मैदी प्रहारी सहित सुरक्षाकर्मी के मृत्यु भेला पर निज के आश्रित परिवार के 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय कने गृह मंत्री के सचिवालय जनौलक। सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहारी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग तथा मैदी प्रहरी के हक में लागू रहत। तहिना बैसार से निर्वाचन के क्रम में घायल भेल सुरक्षाकर्मी के इलाज में लागे वाला खर्च सेहो सरकार तिरबाक निर्णय भेल। गृहमंत्री के कथन उद्धृत करैत प्रेस संयोजक मधुसूदन भट्टराय जानकारी देलन अछि। बैसार से हिमाली जिला में खटा वाला मैदी प्रहरी के लेल प्रहरी जवान सर जिलागत दर रेट अनुसार राशन भत्ता उपलब्ध करेबाक निर्णय सेहो कयने हुनक कथन छ। वायु सेवा संचालक संघ स्थानीय चुनाव के दिन बैसाख 30 गते नियमित आंतरिक हवाई उड़ान बंद रहबाक जानकारी दिलक। निर्वाचन आयोग के स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 के मतदान हो वाला दिन के सवारी आवागमन व्यवस्थापन संबंधी मापदंड 2079 अनुसार सब वायु सेवा आंतरिक उड़ान बंद करय लागल अछि। यद्यपि मानवीय उद्धार सहायता उड़ान एवं सरकार के निर्देशन में होवला उड़ान सब चालू रहत, तहिना अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेहो चालू रहत।
जलवायुविद सब स्थानीय तह के निर्वाचन के दिन देशभर वर्षा हेबा प्रक्षेपण करते आवश्यक पूर्व तैयारी कर संबंधित सबके सचेत करोलक बंगाल के खाड़ी में बैशाख 23 से उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था रवि के दिन समुद्री अन्हर बिहाड़ के रूप में विकसित होत गल आ वही के असर नेपाल में सेहो पड़ तैं आवश्यक पूर्व तैयारी कर विज्ञ सब सुझाव दिलक पिछला विकसित प्रणाली के विषय में बात करते जलवायुविद डॉक्टर धर्मराज उप्रेती आसानी नाव दिल गल अन्हर बिहाड़ बहुत तीव्र गति में चलबाक बतौलन अन्हर के असर भारत के उड़ीसा लगत तटीय क्षेत्र में बेसी देखल गेल आ नेपाल में बैशाख 28 गते से प्रभाव देखेबाक ओ जानकारी दिलन। उस्तै पनि यो यो महिनामा खास गरेर यो बैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने र चुनावको मुखमा पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो मतदान प्रक्रियामा पनि जलवायुविद डॉक्टर उप्रेती निर्वाचनक दिन वर्षा होवला संभावना के मद्देनजर करते मतपत्र मतपेटिका लगात के सुरक्षा में ध्यान देव सुझाव दिलन। आसन्न बैशाख 30 गते होवे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए पड़ोसी देश भारत में श्रम के लिए पहुँचल नेपाली सब घुड़वा क्रम बढ़ा लागल छे। कंचनपुर के पश्चिमी सीमाना का गड्ढा चौकी से घर घुड़वला नेपाली के संख्या दिन दिन बढ़ा लागल छे। गड्ढा चौकी नाका से प्रतिदिन 100 से 200 नेपाली सब भारत से घुड़त अला पर अखन ई संख्या बढ़कर दिन में 500 से बेसी पहुँचल छे। कंचनपुर के गड्ढा चौकी हेल्थ डेस्क के इंचार्ज विकास भट्ट अखन दिन में 500 से 800 गोटे धर लोक सब नेपाल घूर रहल आ ई संख्या और बढ़ रहल बतौलन। लगभग लगभग फ्लो बढ़ी नहीं रखे 100-150 को हारहारी बढ़े पैला तब को 250 जना मान्छेहरु आउँथे भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 350-400-450 पहिले त 500 सम्म पनि पुगिरहेको छ। निर्वाचनको उसले चाहिँ अब लगभग लगभग 800 सम्ममा पुग्छ होला किनभने अब यो नेपाल घोड़ावला नेपाली सभक संख्या बढ़ला बाद नेपाली नागरिकक डाटा संकलन करवा काज सेहो भ रहल अछि। बीतल समय भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा से नेपाल आव लागल सबके अनिवार्य 7 दिन क्वारेंटाइन में बैस आ कोरोना विरुद्ध खोप लगाब छूटल सबके खोप लगाब तथा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदंड के पालना कर स्वास्थ्य मंत्रालय आग्रह कने अछि। कोनो उम्मीदवार के मत दिलो पर मतक कदर होब नहि सकल नेपाल घुरिक आवला स्थानीय वायस के आरोप अछि। उम्मीदवार सब चुनाव आगा विभिन्न प्रतिबद्धता जनौल पर चुनाव बाद पहले के प्रतिबद्धता विसरित गेल अपना लेल मात्रे सोचित गेल कहत ओ सब आक्रोश व्यक्त आफ्नो देश में रोजगारी पाए तो कसले अब आफ्नो बाल बच्चा सँग बस्नु कसले मान्दैन हैन अब यत्रो मान्छे पब्लिक यो सारा हजुरले देखिराख्नु भएको छ अब विदेशबाट आएको अब यो सबै युवा शक्तिलाई नेपालमा राखे त राम्रो हुन्थ्यो अब नेपालका नेताले भन्छन् अब जस्तै चाहिँ गर्मलाई अधिकार दुःख अब के हो अब गरिब मान्छेले ध्याडी गर्ने अब दिन ध्याडी खाने काम गर्ने त्यस्तै छ शरम बेच्ने त हो आशा त तपाईँको अब के हुन्थ्यो अब आक्रोशै छ भनौँ जुन नेतालाई जिताए पनि तपाईँको कुनै राम्रो फल भएको छैन नेपालमा नेता जुन जिताए पनि जुन नेता मन्त्री भए पनि देवानी मन्त्री भए पनि केपी मन्त्री भए पनि राम्रो फल स्वदेशे में रोजगारी के प्रतिबद्धता चुनाव बाद नेता सब विसरत गेल स्वदेश घुरल नागरिक सब के उपड़ा गई छे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा गठबंधन में शंका हेबा काज करवला सबके पार्टी से कार्रवाई हेबाक बतौलन अछि। रवि दिन सत्तारूढ़ गठबंधन पोखरा में कने चुनावी सभा के संबोधन करैत नेपाली कांग्रेस के सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री देवा गठबंधन भीतर शंका उपशंका हेबा काज कर नहीं हेबाक बतौलन। ओ गठबंधन विरोधी काज कने प्रमाण भेटला पर कार्रवाई करवाक चेतावनी दिलन। ओ गठबंधन केला पर नेपाली कांग्रेस के फायदा भेल कहत गठबंधन भीतर के दोसर दल सभक उदारता के कारण कांग्रेस सरकार में आयल सेहो बतौलन। प्रधानमंत्री देवा गठबंधन के सफल केनाइ कांग्रेसक कर्तव्य भेल सेहो बतौलन। शंका उपशंका गर्ने काम गर्नै हुँदैन त्यो गरे भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पुरान भयो भने त्यसलाई कारवाही समेत हुनेछ
त्यसैले जो पार्टीलाई फाइदा भएको छ गठबन्धनले, उहाँले ऋषि प्रसन्नजीले, माधव नेपालजीले उधार भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तै अरूले पनि सहयोग गरेको छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि उधार भएर हामीलाई सरकारमा ल्याएको छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री बनाएको छ, हाम्रो मन्त्रीहरू बनेका छन्। तैपनि काङ्ग्रेसको त कर्तव्य हो गठबन्धनलाई सफल पार्ने। महानगरपालिकाका 33 वडाबाट उत्साहजनक तैना नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र विरोधी सबक गठबन्धन परास्त नै कला पर देशमे राजनीतिक दुर्घटना हेबाक बतौलनि। ओ सत्तारूढ़ गठबन्धन देशके राजनीतिक दुर्घटनासँ बचाबै लेल जन्मल सेहो बतौलनि। ओ देशके राजनीतिक दुर्घटनासँ बचाव गठबन्धनके सफल कयल जेबाक बतौलनि। राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सफल गर्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। गठबन्धन एकातिर विचार राजनीतिक मुद्दामा एकता, संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संहिताको रक्षामा एकता, अर्कोतिर सबैलाई फाइदा। यो गठबन्धनबाट अघि माधवजीले तथ्याङ्क सहित भन्नुभयो, 50% नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा, माओवादी केन्द्रलाई पनि फाइदा, समाजवादीलाई पनि फाइदा, जनमोर्चालाई फाइदा, जनता समाजवादी पार्टीलाई नै फाइदा, सबैलाई फाइदै फाइदा भएको हुनाले हुने हो गठबन्धन। एकातिर राजनीतिक मुद्दा मिल्ने, अर्कोतिर फाइदा हुने भनेपछि मात्रै त्यो गठबन्धन अगाडि जान्छ। तैना नेकपा एकीकृत समाजवादीके अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसके दम नै राख आग्रह कयलनि। ओ दमके कारण केपी ओली विनाश भेल कहैत दम राख्लापर काङ्ग्रेसक सेहो विनाश भेनाइके विकल्प नै रहल बतौलनि। दम राख्नु भयो भने तपाईँको पनि विनाश हुने बाघहरू केही उपाय हुँदैन। सबैको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यतिकै उम्रेर आएका होइन यिनीहरू, इतिहासका कालखण्डमा दशकौँ बिताएका छन्। 5 दशक बिताएको त मैले नै बिताइसके। 50 वर्षको लामो यात्रा, पार्टी निर्माण गरियो, आन्दोलन हाँकियो, यही अमरसिंह चौकमा मैले तपाईँका सामुमा पटक पटक सम्बोधन गरेको छु। हजारौँ हजार जनताका माझमा यही पोखराको सडकमा मैले आन्दोलनको अगुवाई गरेको छु। त्यसो हुनाले आन्दोलनको अगुवाई गर्ने अनुभव, राजतन्त्रलाई चुनौती दिने अनुभव, त्यो सबै हामीसँग छ। सब शक्तिके स्वीकार कयल जेबाक सेहो बताउने छलथि। नेकपा एमालेके अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदक लेल अपन पार्टी समाप्त करऽ लागल टिप्पणी कयलनि अछि। रवि दिन चितवनमे आयोजित चुनावी सभामे पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहल अध्यक्ष ओली पार्टी समाप्त हेबाक अवस्थामे अयलापर सेहो काङ्ग्रेस कार्यकर्ता सभ की देख कऽ बैसल कहिकऽ प्रश्न समेत कयलनि। ओ काङ्ग्रेस कार्यकर्ता सभ प्रचण्डक बेटी रेणु दहालके फेरसँ भोट देबऽ पड़लासँ दुःखमे रहल सेहो बेर बेर जिकिर कयलनि। प्रचण्ड किछु दिन आगा भरतपुर पहुँच कऽ अपन बेटीके मत देबऽ काङ्ग्रेस कार्यकर्ताके धमकौने काज कयने कहैत ओली निर्वाचन आचार संहिता विपरीत होबय लागल, ई काज करऽ नहि पयबाक तर्क कयलनि। धम्काई आएकाहरू, धम्काएर खाएकाहरू अहिलेसम्म पनि धम्काउने बानी गएको रहन्छ। बानी भए पनि जमाना बदलियो, अब धम्काएर काम चल्दैन, जनताले बुझिसकेका छ। धम्कीको केही अर्थ छैन। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कसैले धम्काएर दुर्घटना हुन्छ भनेर कुनै दुर्घटना सुर्घटना केही हुने छैन। दुर्घटना होइन, घटना हुन्छ। घटना के हुन्छ? गठबन्धनले नराम्ररी हार्छ, त्यही हो। अरू कोही कुनै दुर्घटना हुनेवाला छैन। जनतालाई धम्काउनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नत्र भन्ने नत्रले के गर्छ? अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउँछ। धम्काउनेलाई भोट नदिनुहोस्, तर्साउनेलाई भोट नदिनुहोस्, चिसै पानीले नुहाउँछ, केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको छैन। अब मैले नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भन्दा पनि कार्यक्रममा रापरपाके वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डे राष्ट्रवादी शक्ति सबीच एकतावाद भेल जेबाक अवस्था अयलासँ चितवनमे अपन पार्टी आ एमाले बीच स्थानीय तहक निर्वाचनमे सहकारी कऽ कऽ आगाँ बढ़ पड़त
बताने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग गठबंधन बाहेक के कोनो राजनीतिक दल सब संग परामर्श नहीं कक निर्वाचन आचार संहिता बनौने कहित आपत्ति जनौलेने छे। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय चैसल में पार्टी आयोजना कने पत्रकार सम्मेलन में ओ एना बतौलेने छे। ओ आयोग कांग्रेसक बात मात्रे सुनिक निर्वाचन मतपत्र के रंग परिवर्तन कैला से ई मुद्दा दिए वाला विषय भेल बतौलन। अध्यक्ष ओली मतपत्र के रंग बदलवाक बात स्वच्छ नहीं भेल बतबैत लाल सूरज के सिव हरियर बनेबाक षड्यंत्र कने आरोप लगौलन। अध्यक्ष ओली निर्वाचन आयोग के पहिने अपना कने आचार संहिता के कार्यान्वयन अपने से पालना कर सुझाव दिलन। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल चितवन में देने धमकी के कारण प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा डरा कर रेणु दहाल के अपने से भरतपुर के मेयर में ठाड़ करौने भाषण देने बतौलन। रातो सूर्य पनि हरियो बनाउनु पर्ने यो कुनै न्यायको कुरा होइन। यदि कसैले पनि स्वतन्त्र दिमागले सोच्यो भने यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। अहिले निर्वाचन आयोगले फेरि भनेको छ आफ्नो पार्टीको बाहेक अरूको चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन। अनि देशभरि त गठबन्धन त एउटाको चिन्ह अर्काले अर्काको चिन्ह अर्काले एउटाको उसलाई अनि रेणु दाललाई भोट माग्न शेरबहादुर देउबाजी जानुभयो भरतपुर अरू पनि जानुभयो। यहाँ त काठमाडौँमा शेरबहादुर देउबाजीले त कतिसम्म भने प्रचण्डले उठाएकै होइन मैले पो उठाएको त रेणु दाललाई भनेर चितवनमा धम्काउँदाखेरि कति डराउनु भएछ भन्ने कुरा भोलिपल्ट थुरथुर हुँदै दिएको वक्तव्य त्यसले देखाउँदैन। त्यसकारण यो साथीहरूले चाहिँ सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने अध्यक्ष ओली 20 मवन कडावाला काज गठबन्धन के भेल बतौलन। ओ जनता के भय रहित वातावरण में चुनाव में सहभागी कराव पड़ला पर जनता में त्रास आ धमकी दौ रहल कहित निर्वाचन आयोग के ध्यान आकर्षण करौलन। घटना में देश जान्छ भनेर तर्साएर यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ अनि उहाँहरुको क्रियाकलाप कस्तो छ। उहाँका कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एमालेका रुकुम पश्चिमका घरमै बसिराखेका कार्यकर्तामाथि घरमै गएर आक्रमण गरेर अङ्ग भङ्ग गर्ने नराम्ररी हमला गर्ने आपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छ माओवादीले। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। अध्यक्ष ओली एमाले शताब्दियोंसँग व्याप्त बेरोजगारी गरिबी विपन्नता अभाव कुप्रथा कुसंस्कार असमानता आ कमजोर मनोबलता के अन्त्य करबाक संकल्प लेने बतौलन। ओ नेकपा एमाले विकास सुशासन आ मानव सुखक दृष्टिसँग नेपाल के विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश बनाबत चाहने सेहो बतौलेने छ। नेकपा एमाले के दिस काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में उम्मीदवारी देने नेता केशव स्थापित अपना मेयर बनला बाद काठमाडौँ के बिना देवाल के खुला काठमाडौँ बनेबाक घोषणा कैलने छे। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित बागमती कात के पालिका सब में प्रमुख आ उप्रमुख के उम्मीदवार सब संघ के अंतरक्रिया तथा प्रतियोगिता कार्यक्रम में ओ एना बतौलने छे। मेयर के उम्मीदवार स्थापित अखनों काठमाण्डू में एक तिहाई भाग खुला भेल दावी कलन। मेयर के उम्मीदवार स्थापित नदी के छोट बनाक दया बया से सड़क निकालबाक आ नदी क्षेत्र के व्यवस्थित करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। छ सय रुपियाँमा वाल आयो हामी सबैले चाहिँ त्यो तोड्न पाएर चाहिँ चिल्ड्रेनहरू खेल्ने अनि मेयरले चाहिँ सितै बेलुन भन्यो भने कस्तो खालको चाहिँ होइन नानीहरू चाहिँ हुन्छ। किन त्यो वाल लाग्यो भनेको तेस्रो वालमा किन लाग्यो 248 सरकारी चाहिँ छ निजी पनि त्यसलाई तोड्ने हो। एउटा चाहिँ हामीले यो होटल हयातलाई चाहिँ भन्नुपर्छ है थ्याङ्क यू भन्नु है सबैले किनभने उहाँले आफैले वाल तोडेर चाहिँ हेर्नुसम्म त पाए प्रवेश नपाए भने तर हामी सबै ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मैले लाग्छ। त्यसरी ओपन प्लेटफर्म हो क्या नो वाल त्यहाँ अपराध गर्ने भएको चाहिँ पर्खाल लाउने भनेको त्यसरी चाहिँ तपाईँको कल्पना गर्नुपर्छ एक वर्षभित्र अब मेरो खुबी भनेकै अलिअलि तोडफोड गर्ने भन्ने छ नि त्यो चाहिँ म चाहिँ गरौँला भन्ने प्रतिज्ञा हो। अब फाइनली स्थापित पशुपति विकास कोष कोनो हालतमै महानगर माथहत आनल जेबाक बतौलन। तहिना कार्यक्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन के दिशा मेयर के उम्मीदवार सृजना सिंह अपना मेयर भेला बाद काठमाडौँ महानगर
भीतर के घर परिवार में बच्चा जन्म भेला बाद एक गाछ लगेबाक अभियान शुरू करबाक बतौलन। ओ काठमांडू में गंदगी के व्यवस्थापन केनाई बड़का बात नहीं भेल कहत व्यवस्थापन कर नहीं अला के कारण से अखन का अवस्था आयल बतौलन। कारण यो बागमती र मात्र हैन सबै नदीको लागि यहाँका हरियालीको लागि प्रदूषण हटाउनको लागि मैले यहाँ थुप्रै सामाजिक काम पनि गरेको छु। म एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हो र म एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो। मैले यहाँ रुख बिरुवा रोप्नलाई यहाँ लगायत मैले यहाँ यो सत्य साई केन्द्र ब्रह्मकुमारी राज्य केन्द्र थुप्रै ठाउँमा मैले बिरुवा रोप्नलाई मैले आफूले पहल गरेको छु यो बागमतीको किनारहरूमा, किनभने म यहाँ एकदमै म लागिरहेको महिला हुँ। म यो तैना विवेकशील साझा पार्टी से काठमांडू मेयर के उम्मीदवारी देने नेत्री समीक्षा बास्कोटा अपना मेयर में ठाड़ भेला बाद सबसे पहले गंदगी व्यवस्थापन में ध्यान देवाक बतौलन। मेयर के उम्मीदवार बास्कोटा काठमांडू महानगरपालिका भीतर रहल खुला क्षेत्र के सर्वसुलभ पार्क बनेबाक अपन पार्टी की योजना रहल बतौने छलथि। सत्तारूढ़ गठबंधन के दिशा काठमांडू महानगरपालिका के मेयर उम्मीदवार सृजना सिंह स्थानीय सरकार ध्यान नहीं दिला से काठमांडू के मौलिक सभ्यता सब गायब हेबाक अवस्था में पहुँचल बतौलने। रवि दिन काठमांडू में आयोजित बुद्धिजीवी जमघर तथा परामर्श कार्यक्रम के संबोधन करैत उम्मीदवार सिंह काठमांडू उपत्यका में भेल मौलिक सभ्यता आ परम्परा के संरक्षण कर स्थानीय सरकार ध्यान नहीं देने बतौलने। वो स्थानीय सरकार राजनीति मात्र कहने के कारण मौलिक सभ्यता आ सम्पदा सब गायब हेबाक अवस्था में पहुँचल बतौलन। अब अपना काठमांडू के मेयर में निर्वाचित भेला पर सम्पदा के संरक्षण आ संवर्धन में विशेष ध्यान देवाक सेहो दावी कलन। विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको शहर यसका यस शहरका थुप्रै आफ्नै आफ्नै मौलिक सभ्यताहरू सम्पदाहरू छ। त्यति मात्रै होइन यहाँका मूर्तिकला वास्तुकला यहाँका चित्रकला थुप्रै यहाँका नाटक पनि भन्नुहोस् यहाँका अरू कलाकारिताहरू भैरव नाचदेखि लिएर यहाँका कलाकारिता पनि आफ्नै मौलिक र यहाँको सबै चिजहरू छ। तर त्यो लोप हुने अवस्थामा गइरहेको छ। यो कसरी गइरहेको छ भने यो स्थानीय सरकारले यो ध्यान नपुर्याउ। तैना कार्यक्रम में वरिष्ठ कलाकार नीर शाह काठमांडू महानगरपालिका के मेयर उम्मीदवार सृजना सिंह संग दोसर उम्मीदवार केशव स्थापित के तुलना कर नहीं मिलवाक बतौलन। संसार भर को सुख सुविधा दिए तिनलाई सरकारी राज्य कोष प्रयोग गर्न पाउने गरिकन यही मेयर पद में नियुक्त गर्नु भएको हैन। नजर बन्दमा रहने नेत्री सृजना सिंहसँग राजाको राज्य कोषबाट सुविधा भोग्ने मान्छेको कुनै तुलना हुन्छ? यो एउटा प्रसंग र यो एउटा तुलना नै कस ओ काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयरमे सिंहके विजय कैल जेबाक बताउने छलथि। सुनसरी के कोसी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 जमुआ चौक में ट्रकक ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में वही गांवपालिका वार्ड नंबर 5 रहनिहार 30 वर्षक इसराफिल आलम रहल ट्रक के ठक्कर से हुनक मृत्यु भेल। प्रदेश 2030001-27-24 नंबर के ट्रक K19P3873 नंबर के मोटरसाइकिल के रवि दिन ठक्कर देने प्रहरी ट्रक सहित चालक के नियंत्रण में लेने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गंडकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विपद व्यवस्थापन गुल्म बागलुन में कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रूप नारायण महतो विरुद्ध घूस लेने आरोप में भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर कलक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रहरी नायब निरीक्षक महतो विरुद्ध 38,000 रुपया भ्रष्टाचार कने आरोप में रवि दिन मुद्दा दायर कने आयोग के प्रवक्ता श्याम प्रसाद भंडारी जानकारी दिलन। अपन कार्य क्षेत्र आ जिम्मेवारी तथा कार्यरत कार्यालय के कार्य प्रकृति से बाहर जाकर पदीय हैसियत के दुरुपयोग क लेन देन के मुद्दा मिला देवा कहत सेवाग्राही संग घूस लैत समय अख्तियार के टोली महतो के पकड़ने छल। रवि दिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल छे। नेपाल सोन चांदी महासंघ के अनुसार
रवि दिन छापा बल सुन 600 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 98,600 में कारोबार भेल छे। तहिना तेजाबी सुन तोला में 98,100 में कारोबार भेल छे। तहिना चानी के मोल से 5 रुपया से बढ़ कर तोला में 1,285 रुपया में कारोबार भेल। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ जुड़लक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरेबिया के राजा सलमान के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भर्ना कैल गया। सरकारी संचार माध्यम सब जनौलक। राज्य सामान्यतया 86 वर्षक वृद्ध सम्राट के स्वास्थ्य के विषय में देखल गया अनुमान सब रोक चाहने। राजा सलमान 2015 से शीर्ष तेल निर्यात आ अरब संसार के सबसे बड़का अर्थतंत्र के देश में शासन कर रहा है। वो शनि दिन तटीय शहर जेद्दा स्थित किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में किछ स्वास्थ्य परीक्षण कर गेल छल। सन 2020 में राजा सलमान के पिथेल के शल्यक्रिया कैल गया। हुनक शासन अंतर्गत सऊदी अरेबिया पड़ोसी यमन में युद्ध में प्रवेश करबाक लगात और मजबूत पर राजनीति अपनबैत महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार सब शुरू कैने आ महिला सब में और अधिकार दल गल जनौल गया। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतायरी आ बंद परीक्षण छोड़ने खिलाड़ी बीच विवाद के सत्य तथ्य पहचान कर 3 सदस्यीय कमेटी गठन कैलक। ललितपुर स्थित एन्फा के मुख्यालय में रवि दिन बैसल कार्य समिति के आकस्मिक बैसार फुटबल के मुख्य प्रशिक्षक आ खिलाड़ी के विवाद के सत्य तथ्य पहचान कर आगामी पूर्व उपरती तथा पूर्व खिलाड़ी विक्टर राणा के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठन कैलक। कमेटी में पूर्व खिलाड़ी विदुर बिष्ट आ नेपाल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ के उपाध्यक्ष दीपक थापा रहा। कमेटी के एन्फा के एक सप्ताह में विवाद के सत्य तथ्य सहित छानबीन क एन्फा के प्रतिवेदन पेश कर निर्देशन दिलक। AFC एशियन कप छनौट तैयारी में रहल नेपाली राष्ट्रीय खिलाड़ी मुख्य प्रशिक्षक अल मुतायरी के कार्यशैली में असंतुष्टि जनबैत बैसाख 13 गते 10 खिलाड़ी बंद प्रशिक्षण छोड़ने छल। कैंप छोड़ने खिलाड़ी होटल सुविधा के मांग रखला बाद प्रशिक्षक अल मुतायरी बेर बेर कैंप छोड़ कर जाय कहला बाद अपना सब बाध्य भ प्रशिक्षण छोड़ने बतबत आयल। प्रशिक्षक अल मुतायरी सेहो कैंप छोड़ने खिलाड़ी के स्थान में नया खिलाड़ी के स्थान दैत प्रशिक्षण कराब रहा है। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।